नमस्कार दोस्तों, टू डू एस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। लास्ट की जो क्लास थी अपने नंबर सिस्टम पे थी, वो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है। आज की जो क्लास होगी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो डिटेल से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज जो है। आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम प्रतिशत। सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत होती क्या है। ये क्या है प्रतिशत? एक रेशियो होता है, जैसे 1/100 या फिर यानी इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि एक होता है अंश, एक होता है हर, हर का 100वां भाग, ठीक है। यानी 1/100 हर क्या है 100 भाग है, या फिर 1:100 इस तरह, यानी रेशियो के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ये सिंबल है इससे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर 1/100 से डिनोट कर सकते हैं। फिर अगर किसी भिन्न दिया हुआ है 1/2, यदि इसको प्रतिशत में चेंज करना है क्या करें? 100 से क्या करना है? गुणा करना। ध्यान रखना, जब भिन्न से प्रतिशत में बदला जाता है तो 100 से गुणा किया। अगर कोई भिन्न है उसको यदि प्रतिशत में चेंज करना है, किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा। प्रतिशत क्या है? एक गणित में 1/100 भिन्न को यदि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा। यदि प्रतिशत को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे? भाग दे। यदि भिन्न प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत से किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में। किसने कितने का भाग देंगे? 100 का। जैसे 1/2 है, इससे प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, कितना आया? 50। अगर इसी को अपन क्या करते हैं, भिन्न में बदलना है, इसको प्रतिशत दिया है भिन्न में बदलना है, 50/ क्या कर दें? 100 से क्या कर दें? इसको भाग कर दें, क्या रहा है? 1/2। इस तरह से ये व्यक्त करने का जो एक गणित में व्यक्त प्रतिशत को व्यक्त करने का जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, तो देखते हैं सबसे पहले कन्वर्जन, देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ भिन्न रखता हूँ, इनको अपन क्या करेंगे? प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अनुपात भी देखेंगे क्या इनका अनुपात क्या है, क्योंकि तो अनुपात को प्रतिशत को गणित में व्यक्त करने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं? अनुपात। यानी एक्सप्रेस जो करते हैं वो किस में करते हैं? रेशियो। जैसे 1/1 अनुपात क्या होगा? 1:1। टेबल देख लेते हैं, अनुपात है, भिन्न है और प्रतिशत, यानी कि कुछ आपको भिन्न में बता देता हूँ। 1/1 यानी 1:1 कितने हो गया? 100%, क्योंकि भिन्न को 100 से गुणा करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रतिशत, ठीक है। 1/2 अनुपात क्या होगा? 1:1। 1/3 1:1,
वन अपॉन फोर एक अनुपात वन अपॉन फाइव वन अपॉन सिक्स वन अपॉन सेवन वन अपॉन एट वन अपॉन नाइन और वन अपॉन बेसिक भिन्न है अनुपात में वन अपॉन फाइव वन अपॉन सिक्स वन अपॉन सेवन वन अपॉन एट वन अपॉन वन अनुपात नाइन सॉरी वन अपॉन अनुपात है क्योंकि ये अंश है या हर है क्योंकि अंश और हर का रेशियो अनुपात इसको भिन्न में डिनोट कैसे करेंगे वन अपॉन में। अब इस चीज को कन्वर्ट करना अपन को प्रतिशत में क्या करना है सौ से क्या करना है इसको गुणा कर सौ से गुणा करते हैं ठीक है वन बाई टू इंटू हंड्रेड प्रतिशत कितना आया पचास पर वन बाई थ्री को कितने से गुणा कर दें तो कितना आएगा थर्टीन एक बटा थ्री परसेंट एक बटा चार को सौ से गुणा कर दें कितना आएगा पच्चीस पच्चीस वन अपॉन फाइव को गुणा करें सौ से कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट वन अपॉन सिक्स को गुणा करते हैं सौ से कितना आएगा सोलह से ही दो बटा तीन प्रतिशत वन अपॉन सेवन से गुणा करते हैं कितना आएगा चौदह से ही दो बटा सात प्रतिशत वन अपॉन एट को गुणा करते हैं सौ से इस करें सौ में आठ का भाग दें आठ ही का आठ कितना बचा दो आठ दूनी सोलह कितना बचा चार तो चार वन अपॉन क्या हो गया वन अपॉन नाइन इंटू हंड्रेड कितना आता है ग्यारह से एक बटा नौ प्रतिशत और एक बटा दस से जब गुणा करेंगे सौ से कितना आएगा दस पर यानी कि अपन ने देखा भिन्न से अनुपात बना लिया भिन्न से प्रतिशत बना लिया इसमें प्रतिशत कैसे बना सौ से गुणा यदि अपन को प्रतिशत दिया है और भिन्न यदि अपन को बनाना था क्या कर लेते हैं अपन इसमें सौ का भाग यदि पच्चीस में यदि सौ का भाग दे दें तो कितना आता है दोनों को फ्रैक्शन जो है इनको काट लेते हैं पच्चीस एकम पच्चीस पच्चीस चौका ये क्या है अपना अनुपात है यानी कि अनुपात बोल सकते हैं या भिन्न भी बोल सकते हैं ठीक है प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना यानी कि इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं तो ये आपका बेसिक है यदि प्रतिशत से भिन्न बदलना भिन्न में कन्वर्ट करना सौ का भाग देना है यदि भिन्न से यदि प्रतिशत बनाना है तो उसे क्या कर देना है गुणा कर देना है क्योंकि वन अपॉन क्या होता है प्रतिशत का मतलब वन अपॉन हंड्रेड या फिर एक सिंबल होता है इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन देखते हैं बेसिक क्वेश्चन देखेंगे स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है किसी संख्या का 10% का 5% 8 है दस परसेंट 5% कितना है 8 है तो संख्या ज्ञात सबसे पहले जब एक का मतलब होता है गुणा यानी कोई संख्या है एक्स का मतलब क्या बताया मैंने गुणा का कितना है 10% प्रतिशत है भिन्न में कन्वर्ट करना है क्या करना है दो से भाग कर देना
कितना 5%, का मतलब गुणा 5/100 का कितना है 8, बराबर में क्या कर दो 8। यदि इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, 1 0 बचेगी, इसको काट लेते हैं 5 से, कितना 5 2 10 यानी 20 बार कैंसिल हो गया। नीचे बचा 10 और 20, जब 10 और 20 नीचे बचेगा इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 10 से, कितना 200, 200 किससे गुणा कर दें 8 से, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 × 10 × 20, कितना आ रहा है, एक्स का मान 8 × 16, यानी कि वो संख्या थी कितना है एक्स का मान, यानी कोई संख्या है उसका यदि 10% निकालें का 5% निकालें कितना आता है 8 आता है, तो संख्या क्या है कौन सी है, तो करना क्या है परसेंटेज का मैंने मतलब बताया, यदि भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दें 100 से भाग कर दें, का मतलब है गुणा, गुणा लगा दिया, यानी कि किसी संख्या का, यानी कोई संख्या थी एक्स मान सकते हैं या 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, उसका यदि 10% यानी प्रतिशत को भिन्न बदला 10/100 किया, फिर 5% 5 का प्रतिशत में को भिन्न बदलना क्या करना है भाग देना है 5/100, कितना है 8 आता है, बराबर में क्या कर दिया 8, तो इसका सॉल्यूशन किया क्या आ रहा है 16, एक्स का मान कितना था 16, यानी इस तरह बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी पर बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तथा 20% वृद्धि होने पर वस्तु का नया मूल्य क्या है। कोई वस्तु है, बेसिक है ध्यान रखना, कोई वस्तु है उसका मूल्य कितना है 100 रुपये, और उसमें क्या कर दी 20% क्या हो गई वृद्धि, तो अब वस्तु का कितना नया मूल्य कितना हो गया, यदि 20% 100 रुपये का 20% निकालते हैं, 20 का मतलब होता है 1/20, 100 अगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, तो कितना आ रहा है 20, यानी कि 20 रुपये की क्या हो गई वृद्धि, 100 रुपये पहले था 20 रुपये और आ गया, कितना हो गया टोटल 120 रुपये, यानी कि नया जो मूल्य आया वो कितना आया 120 रुपये।